Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. जब आप किसी प्राकृतिक आपदा से घिरे हो, जब आपके पास बचने का कोई जरिया ना बचा हो, तो ऐसे वक्त में संकट मोचक बनकर आपकी मदद को आती है भारतीय वायुसेना। उत्तराखंड त्रासदी हो या हो कहीं बाढ़ का कहर, हर मोर्चे पर वायुसेना ने लोगों की जिंदगियों को ऐसे हालातों में बचाया जहां आम लोगों ने देखकर बस दांतों तले उंगलियां दबाई। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कर्नाटक के नंदी हिल पर उस समय एक बड़ी दुर्घटना हो गई जब 19 वर्षीय युवक पहाड़ से 300 फीट नीचे जा गिरा। गिरने के बाद वो युवक कहीं बीच में फंस गया और खाई में नहीं गिरा। जान तो बच गई, लेकिन रेस्क्यू के लिए उस युवक ने स्थानीय पुलिस से संपर्क साधा। पुलिस वहां पहुंचकर भी उस युवक को कोई मदद नहीं कर पाई, सीधे एयरफोर्स से बात की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एयरफोर्स M-17 हेलीकॉप्टर से उस युवक का सफल रेस्क्यू कर रही है। वायुसेना के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें स्थानीय पुलिस का पूरा सहयोग मिला और उन्हीं की वजह से समय रहते उस युवक को ट्रेस किया जा सका। लेकिन जिस जगह पर वो युवक फंसा था, हेलीकॉप्टर की वहां लैंडिंग काफी मुश्किल थी। इस वजह से एयरफोर्स ने तब MI-17 के फ्लाइट गनर को चरखी के जरिए ट्रैकर के पास तक पहुंचाया और फ्लाइट रनर ने समय रहते उस युवक को ऊपर उठा लिया। इसके बाद एयरफोर्स ने तुरंत येलंका के लिए उड़ान भरी और युवक को एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। युवक को लेकर जानकारी मिली है कि वो एक इंजीनियरिंग छात्र है जो दिल्ली का रहने वाला है। वो बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था और ट्रैकिंग के मकसद से नंदी हिल पहुंचा था, लेकिन तब किसी वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो चट्टान से नीचे गिर गया। अगर वो युवक कहीं बीच में फंसता नहीं तो सीधे 300 फीट गहरी खाई में जा गिरता। वैसे इससे पहले केरल में भारतीय सेना ने भी ऐसा ही एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, जब पलक्कड़ पहाड़ी की दरार में एक युवक फंस गया था। वो वहां पर 45 घंटे तक फंसा रहा था, लेकिन फिर भारतीय सेना, नौसेना और NDRF ने मिलकर संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और इस युवक को सुरक्षित बचा लिया। खैर, सेना इससे पहले भी कई बार मसीहा की तरह काम करती आई है। आतंकवाद से सुरक्षा हो या फिर मौसम की मार में लोगों की मदद, हर मामले में भारतीय सेना ने आगे बढ़कर मुश्किलों को झेलते हुए लोगों की मदद की है। इसके अलावा सीमा पर पाकिस्तान की गुस्ताखियों का भी वो डटकर मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान के हर गलत मंसूबों पर पानी भी फेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।